बॉलीवुड के कुछ एक्टर और एक्ट्रेस की जोड़ियां आज भी लोगों के जहन में जिंदा है, जिनमें अमिताभ रेखा जी, अनिल कपूर माधुरी जी, गोविंदा करिश्मा और शाहरुख खान काजल की जोड़ियां आती है। इनमें कुछ जोड़ियों को लोग आज भी पर्दे पर देखना पसंद करते हैं। ये तो बात हो गई हिट जोड़ियों की, लेकिन अगर हम बात करें बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस की जिन्होंने कई सारी फिल्में एक साथ की है लेकिन उनकी जोड़ी पर्दे पर अनलकी साबित हुई है, जी आज की स्टूडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की उन सात अनलकी जोड़ियों की जो असल जिंदगी में तो आइकॉनिक जोड़ी है पर फिल्मी पर्दे पर फ्लॉप रही है। कौन सी है ये जोड़ियां और कौन सी थी वो फिल्में, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आने वाली वीडियो की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हेलो सिनेमा लवर, मैं हूँ हर्ष और स्वागत है आप सभी का सिनेमा जर्नी एक्सप्लेन पर। बॉलीवुड की पहली अनलकी जोड़ी की हम बात करें तो उनमें पहला नाम आता है सलमान खान और रानी मुखर्जी का। सलमान खान और रानी मुखर्जी बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े स्टार हैं। उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में हिंदी सिनेमा को दी है। इनके निजी जिंदगी में एक दूसरे के बड़े ही अच्छे दोस्त है, लेकिन फिल्मी पर्दे पर इनकी जोड़ी की बात करे तो इनकी जोड़ी फ्लॉप रही है, जहाँ रानी मुखर्जी ने आमिर खान, शाहरुख खान और सैफ अली खान जैसे स्टार के साथ हिट फिल्में दी है। वही सलमान खान के साथ इनकी जोड़ी अनलकी रही है। इन दोनों ने एक साथ 6 फिल्में की है जिनमें चोरी चोरी, चुपके चुपके, हर दिल जो प्यार करेगा, बाबुल, हेलो ब्रदर, कहीं प्यार ना हो जाए और सावरिया फिल्म शामिल है। इतनी फिल्में एक दूसरे के साथ करने के बावजूद भी इनकी एक भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई है और इसी वजह से इस जोड़ी को बॉलीवुड की अनलकी जोड़ी कहा गया है। नंबर 2, अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर 90 के दशक की सुपरस्टार हीरोइन थी। उनकी जोड़ी सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और खासकर गोविंदा सर के साथ बेहद पसंद की जाती थी। करिश्मा कपूर ने अपने फिल्मी करियर में सभी स्टार के साथ हिट फिल्में दी है, लेकिन अक्षय कुमार के साथ उनकी जोड़ी अनलकी रही है। इन दोनों ने कुल 8 फिल्मों में एक साथ काम किया है, जिनमें फिल्म जानवर, मेरे जीवन साथी, हाँ मैंने भी प्यार किया है, सपूत, लहू के दो रंग, दीदार, एक रिश्ता और दिल तो पागल है जैसी फिल्में शामिल है। इन फिल्मों में एक रिश्ता और दिल तो पागल है फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। इसके अलावा इनकी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। नंबर 3, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय। असल जिंदगी में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की जोड़ी को बॉलीवुड की बेस्ट जोड़ी कहा जाता है। इनकी शादी को 15 साल हो चुके हैं और इन 15 सालों में इनके रिश्ते और भी बेहतर हो गए हैं। पर बी टाउन की इस आइडियल जोड़ी की फिल्मी पर्दे पर हम बात करें तो इनका भी नाम अनलकी जोड़ियों में आता है। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने कुल 6 फिल्मों में काम किया है, जिनमें ढाई अक्षर प्रेम के, उमराओ जान, कुछ ना कहो, रावण, सरकार राज और गुरु ऐसी फिल्में शामिल है। इन फिल्मों में गुरु फिल्म को छोड़कर बाकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई है। इसी वजह से इस खूबसूरत जोड़ी को भी बॉलीवुड की अनलकी जोड़ी कहा जाता है। नंबर 4, सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे। 90 के दशक में बॉलीवुड के गलियारों में सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे के अफेयर के चर्चे हर तरफ थे। जहां सुनील शेट्टी को उनके एक्शन फिल्मों के लिए पसंद किया जाता था, वहीं सोनाली बेंद्रे के खूबसूरती के लोग कायल थे। इसी वजह से फिल्म प्रोड्यूसर इस जोड़ी को अपने फिल्मों में साइन करते थे। पर्दे पर सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे की जोड़ी बेहद खूबसूरत लगती थी, पर बात करें इन दोनों के फिल्मों की तो इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली थी। सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे ने कुल 7 फिल्में एक साथ की है, जिनमें फिल्म भाई, हमसे बढ़कर कौन, कहर, सपूत, गद्दार, रक्षक और टक्कर जैसी फिल्में शामिल है। ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। इन फिल्मों में इन दोनों की जोड़ी खूबसूरत तो लगी पर बॉक्स ऑफिस पर अनलकी रही। नंबर 5, अजय देवगन और काजोल। अजय देवगन और काजोल की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे बेस्ट जोड़ी कहा जाता है। इनकी शादी को 22 साल पूरे हो चुके हैं। जितने बेहतरीन एक्टर अजय देवगन है, उतनी ही बेहतरीन एक्ट्रेस काजोल भी है। काजोल के बारे में कहा जाए तो उनकी और शाहरुख खान की जोड़ी को हिंदी सिनेमा में आइकॉनिक जोड़ी कहा जाता है। इन दोनों ने कई सुपरहिट फिल्में हिंदी सिनेमा को दी है, लेकिन बात करें अजय देवगन और काजोल की जोड़ी की तो रियल लाइफ की ये बेस्ट जोड़ी बड़े पर्दे पर अनलकी रही है। अजय देवगन और
काजोल ने 10 फिल्में एक साथ की है, जिनमें तानाजी, इश्क प्यार तो होना ही था, दिल क्या करे, गुंडा राज, राजू चाचा, टुनपुर का सुपर हीरो, हलचल और हाले दिल जैसी फिल्में शामिल है। इन फिल्मों में इनकी सिर्फ 3 फिल्में हिट रही है, वही 7 फिल्में फ्लॉप रही है। और इस तरह रियल लाइफ की ये सुपरहिट जोड़ी फिल्मी पर्दे पर फ्लॉप रही है। नंबर 6, शाहरुख खान और जूही चावला। फिल्म पर्दे की आइकॉनिक जोड़ी की जब भी बात होती है तो शाहरुख खान और काजोल का नाम सभी के जहन में आता है। लेकिन अगर हम शाहरुख खान और जूही चावला की बात करें तो रियल लाइफ की ये बेस्ट फ्रेंड की जोड़ी बड़े पर्दे पर शाहरुख खान और काजोल की तरह लकी नहीं रही है। शाहरुख खान और जूही चावला ने 9 फिल्में एक साथ की है, जिनमें डर, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, राम जाने, डुप्लीकेट, पहेली, कभी हाँ कभी ना, राजू बन गया जेंटलमैन, 1, 2 का 4 और यस बॉस जैसी फिल्में शामिल है। इन फिल्मों में इनकी फिल्म डर और यस बॉस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही है और बाकी फिल्में फ्लॉप हुई है। शाहरुख सर के रोमांस और जूही चावला के चुलबुलेपन के बावजूद भी जोड़ी बड़े पर्दे पर अनलकी रही है। नंबर 7, सैफ अली खान और करीना कपूर। सैफ अली खान और करीना कपूर की जोड़ी को रियल लाइफ में बेस्ट जोड़ी कहा जाता है, लेकिन रियल लाइफ की ये बेस्ट जोड़ी बड़े पर्दे पर एक साथ कुछ खास कमाल नहीं कर सकी है। इन दोनों ने कुल 7 फिल्मों में काम किया है, जिनमें एजेंट विनोद, कुर्बान, टशन, रोड साइड रोमियो, LOC कारगिल, ओमकारा और लक बाय चांस जैसी फिल्में शामिल है। इन फिल्मों में लगभग सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ही रही है। रियल लाइफ की ये हिट जोड़ी भी पर्दे पर फ्लॉप ही रही है और इसी वजह से इस जोड़ी को भी बॉलीवुड की अनलकी जोड़ियों में गिना जाता है। तो ये थी बॉलीवुड की 7 अनलकी जोड़ियां। अगर आपको किसी ऐसी अनलकी जोड़ी का नाम पता है जो रियल लाइफ में तो हिट है पर बड़े पर्दे पर फ्लॉप है, तो उस जोड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि हम आपके लिए सिनेमा से जुड़ी ऐसी ही जानकारी ला सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।